वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग लेके आ गए हैं। आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जगह पर जाएंगे, आप लोगों को कुछ सरप्राइज आप लोगों को दिखाएंगे। वहां पर जाके कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लाए हैं। बोला था कि अगले ब्लॉग में मैंने बोला था कि एक स्पेशल ब्लॉग आ रहा है, तो चलते हैं और देखते हैं क्या स्पेशल है आज का वीडियो में। तो चलो सो गाइस, हम थोड़ा बहुत आ गए हैं, तो चलते हैं वहां पर जाके आप लोगों को कुछ सिनेमेटिक्स दिखा। कहां जा रहे हैं वो भी रिवील करेंगे, तो आप लोग देख लीजिए जाके। और आज मेरा दोस्त सुदीप, उसका बहुत मन था कि शोरूम जाएंगे। क्या किसका शोरूम जाएंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। वो मेरे घर पे आया, बोला कि चल भाई शोरूम चलते हैं, इसलिए हम लोग निकल गए। और आप लोगों के लिए भी आ गए हैं कि शोरूम जाएंगे तो आप लोग दिखाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं, चलो चलते हैं। इंडिकेटर, और ये आप देख लीजिए जावा के शोरूम, हम आ गए हैं। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ पर गाड़ी को पार्क करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। पिराक, ये आप लोग देख लीजिए सामने पिराक, और अंदर जाएंगे। अंदर जाके और भी आप लोगों को बताएंगे क्या क्या है अंदर। तो चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जावा 42 को लेके मैं निकल गया आज टेस्ट ड्राइव के लिए निकला। कैसा फील देता है इसको आप लोगों के सामने लाने के लिए इस बाइक को, फिर आ गया मैं। तो चलते हैं, जो हाईवे है हाईवे में चलते हैं, हाईवे में जाके आप लोगों को बताता है इस बाइक का फील कैसा है। ओ भाई कैसा पुल कर रहा है, आप लोग देख लो स्पीड चेक करो भाई इसका, एक बार स्पीड चेक करो बस। ओ ये बाइक तो प्रॉपर क्रूजर भी नहीं है, क्या बोलूं मैं आप लोगों को। ये इंजन जो है ना, ये हाई रेविंग इंजन है भाई। आप लोग एक बार देख लो कैसा पुल कर रहा है, कैसा पुल देखो एक बार। देख रहे हो भाई, इसमें जो 27 BHP का पावर है, 28 मतलब वो क्या बोलो, ऐसे 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 डिलीवर हो रहा है। मतलब आप लोग एक बार देखो जस्ट कैसा पुल हो रहा है। मतलब जो कोई भी रॉयल एनफील्ड के शौकीन थे ना, वो इस बाइक को चलाएगा ना तो उसको ऐसा मजा आएगा। रॉयल एनफील्ड क्या होता है, रॉयल एनफील्ड एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, और ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन नहीं है, मतलब ये पूरा हाई रेविंग इंजन है। आप लोगों को क्या बताओ, देखो एक बार कैसे पुल हो रहा है। मतलब इसको बाइक को आपको राइड करके ऐसा मजा आएगा ना। ओ ये वेदर और ये बाइक, और क्या चाहिए राइड करने के लिए। हम लोग जाएंगे वहां पर, खड़े होंगे वहां पर जाकर आप लोगों को इस बाइक का पूरा ओवर अराउंड रिव्यू देंगे एक। चलो चलते हैं, पहले इंडिकेटर दे दिया, पहले इस बाइक को लेके चलते हैं।
जो पावर है ना वो इनिशियली ऐसा डिलीवर होता है ना, मतलब आप समझ नहीं पाओ कि कब ये पावर, इतना पावर डिलीवर हो रहा है, इतना पावर हर रेप रेंज में ये पावर डिलीवर हो रहा है, मतलब कहीं भी 4000 RPM 3000 RPM हर रेप रेंज में ये पावर डिलीवर हो रहा है। मतलब देखो आप कैसा फील आ रहा है इस बाइक। वहाँ पर जाके खड़ा हो जाते हैं और आप लोगों को बताता है इस बाइक के बारे में थोड़ा बहुत। जो पहले का जावा आता था वो भी मैंने टेस्ट राइड लिया था, तब वीडियो नहीं बनाता था मैं, अब वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए ये बाइक दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। वो जो बाइक था जो स्पोक एलॉय में आता था, स्पोक व्हील्स में आता था, वो बाइक में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज था, मगर ये इस बाइक में आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, ये नीचे यहाँ पर इस बाइक का की है, और पहले ये की ऑन कर ले, और ऑन करने के बाद क्या होता है देख लो, ऐसा कैसा स्वाइप मारता है भाई, देख रहे हो आप। और ये किल स्विच और इंजन के साउंड एक बार सुन लो आप। सुन रहे हो आप? रुक जाओ, आप लोगों को खड़ा होके नीचे उतार के बताता हूँ। अब चलते हैं। इधर से बैक कर लेते हैं, चलो आप लोग देख रहे हो कैसा ये पुल है। आप लोगों को वॉक अराउंड मैंने रिव्यू दे दिया, वहाँ पर बहुत ही शोर था इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। मैं शोरूम में जाके आप लोगों को इस बाइक का एक साउंड का जो एक्सपीरियंस है ना वो आप लोगों को बता दूंगा। चलो चलते हैं, तो बैक करते हैं शोरूम में जाने के। इस बाइक को लेके ना आप लोगों को शोरूम वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा अभी है, तो जाना तो पड़ेगा। वहाँ पर सुदीप खड़ा है, वहाँ पर फिर से जाएंगे और इस बाइक का जो साउंड है आप लोगों को एक प्रॉपर एक्सपीरियंस देंगे कैसा साउंड है। मतलब पहले का बाइक जो जावा का पहले आता था वो बाइक और ये बाइक पूरा चेंज हो चुका है। मतलब BS6 के अवतार के बाद BS6 में पावर थोड़ा ड्रॉप हुआ था, उसके बाद ये जब जो 2.1 आया जावा का, ओ क्या भाई क्या बोलूँ। देख लो अब और क्या बताओ इस बाइक के बारे में, आप लोगों को सब तो मालूम ही होगा। तो अब वहाँ जो जाके चलो बाइक का थोड़ा एक वर्क अराउंड एक्सपीरियंस दे देते हैं और चलो चलते हैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए। इसका जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन बहुत ही आरामदायक है। मतलब अब सब कहते हैं कि सीट बहुत ही हार्ड है, मैं आप लोगों को बताऊँगा इस बात मत करो और इस बाइक को आ जाओ शोरूम के, जावा के शोरूम में आके एक टेस्ट ड्राइव लो, उसके बाद डिसाइड करो कि ये बाइक कितना सीट कितना स्टीफ है, सस्पेंशन कैसा है, उसके बाद डिसाइड करो। मतलब एक टेस्ट ड्राइव लो भाई पहले, उसके बाद डिसाइड करो कि बाइक को लेना है कि नहीं लेना। मतलब जो लोग कहते हैं कि ये बाइक का जो सीट है वो बहुत ही स्टीफ है, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं तो इतने देर से चला रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, कोई भी परेशानी नहीं होगा आप लोगों को। मतलब आराम से आप लोग इस बाइक को चला पाओगे। इसका जो फील है ना वो आप लोगों को मैं क्या डिस्क्राइब करूँ। मतलब मन भर जाता है इस बाइक को राइड करने के बाद, मतलब मन ही नहीं करता कि इस बाइक को रख के कहीं घर जाओ। कैसा फील है ना इसका, बहुत ही अच्छा बाइक है, बहुत ही अच्छा बना, जाने बना है कुछ। मतलब पहली बार जावा ने ये क्रूसर सेगमेंट में, मतलब ये क्लासिक सेगमेंट में ये पावरफुल इंजन, रेसर इंजन, रेसिंग इंजन दे दिया। मतलब आप समझ रहे हो, एक
क्लासिक बाइक, उसमें ये परफॉर्मेंस, रेस परफॉर्मेंस इंजन, मतलब ये किसी को भी दे सकता है, मतलब कोई समस्या नहीं होगा आप लोगों को इस बाइक को कहीं भी चलाने में, मतलब जो आप ट्रैफिक टू ट्रैफिक कंडीशन में भी चलाओ और हाईवे में भी चलाओ, कहीं भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलते हैं, अब आ गए हैं वहाँ पर, सब खड़े हैं, तो देख रहे हैं सुदीप आ गए हैं, चलो चलते हैं यहाँ पर बाइक को खड़ा करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में नहीं मिलेंगे, रुक जाओ, कुछ बात है आप लोगों के लिए। तो अब हम निकल गए शोरूम से, अब हम घर जा रहे हैं। आप लोगों के लिए आज ये स्पेशल कुछ बनाने के कोशिश किया, आप लोगों ने देखा कि जावा के शोरूम गया था मैं, आप लोगों को सरप्राइज देना था, इसीलिए कुछ नहीं बताया पहले। मैंने जावा के शोरूम का एक टूर कर दिया आप लोगों के लिए, और अब हम घर जाएंगे और इस ब्लॉग को एडिट करेंगे और आप लोगों के लिए यूट्यूब में अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now.